गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू इट कुड हैपन ऐसा हो सकता है लेट्स बिगिन चलो शुरू करते हैं द वर्ल्ड इज बट ए कैनवस टू इमेजिनेशन हेनरी डेविड थ्रो हैंनरी डेविड थ्रो नाम के व्यक्ति ने एक बार कहा था द वर्ल्ड इज बट ए कैनवस टू इमेजिनेशन यह जो संसार है यह हमारी इमेजिनेशन का कल्पना का एक कैनवस है कैनवस अ सरफेस फॉर ऑयल पेंटिंग एक वो सरफेस को कैनवस बोलते हैं बेटा जहाँ पर हम कोई पेंटिंग करते हैं तो वो ये कहना चाहते हैं कि जैसा हम कल्पना करेंगे संसार वैसा ही होगा सपोज़ वन डे यू वो कप मान लो एक दिन आप वो कप वो कप होता है बेटा सुबह उठें अप या फिर वो कप पास्ट में आप सुबह उठें एंड फाउंड दैट एवरी थिंग हैड चेंज और आप फाउंड पाएँ कि हर चीज़ चेंज हो गई है बदल गई है चेंज होता है बच्चों मेक और बिकम ए बिकम डिफरेंट कोई चीज़ अलग हो जाना पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो गई है तो मानिए एक दिन आप सुबह वेकअप उठते हैं एंड फाइंड एवरी थिंग changed चेंज हर कुछ बदल गया है इमेजिन वट योर रिएक्शन वुड बी कल्पना करो कि आपका रिएक्शन क्या होगा उसको देख कर आप कैसा फील करेंगे डिस्कस विद योर फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो वेदर इट वुड बी नाइस और नोट कि यह नाइस अच्छा होगा या नहीं डू यू समाइम्स इमेजिन अ वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम द वन Which you are living इन क्या आप समाइम कभी इमेजिन कल्पना करते हो एक अलग संसार की अभी जिसमें रह रहे हो उससे कोई अलग संसार की कभी कल्पना आप करते हो बच्चों कभी भी वट आर थिंग्स क्या चीज़ें हैं दैट यू वुड लाइक टू चेंज जो आप चाहेंगे कि बदल जाएं डिस्कस चर्चा करें तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहेंगे कि बदल जाए तो दुनिया में जैसे कि डर्टी स्ट्रीट्स गंदी गलियाँ काफ़ी कूड़ा पड़ा है तो मैं चाहूँगा चेंज आई वॉन्ट वो बदलाव जो मैं चाहता हूँ वो है कि स्ट्रीट्स डर्टी से क्लीन हो जाए क्लीन स्ट्रीट्स यह है एक बदलाव है जो मैं चाहूँगा जो चेंज बच्चों आप चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स या पार्टनर के साथ डिस्कस करें उनको बताएं लेट्स रीड चलो पढ़ते हैं Now read a story about the day when everything changed. तो एक यह कहानी पढ़ो जिसमें एक दिन everything सब कुछ change बदल गया One day एक दिन overnight रात भर में the world turned violet. सारा संसार violet हो गया Violet होता है बेटा purple बैंगनी पूरा संसार टर्न्ड वायलट जस्ट अबाउट एवरीथिंग टर्न्ड वायलेट और हर चीज वायलट हो गई फ्रॉम द स्काई एंड ओशन एंड माउंटेन्स टू द ट्रीज एंड एनिमल्स एंड पीपल आसमान स्काई ओशियन समुद्र माउंटेन्स पहाड़ इन सब से लेकर ट्रीज पेड़ एनिमल्स जानवर और पीपल लोग हर चीज़ वायलेट हो गई जानवर भी वायलेट हो गए लोग भी वायलेट हो गए स्काई आसमान ओशियन समुद्र हर चीज़ वायलेट हो गई फ्रॉम द टोलेस्ट स्काई स्क्रेपर सबसे ऊंची स्काई स्क्रेपर से लेकर टाइनीएस्ट आंट सबसे छोटी चीटी भी वायलेट हो गई स्काई स्क्रेपर अ वेरी टॉल बिल्डिंग एक बहुत लंबी बिल्डिंग को बोलते हैं बेटा स्काई स्क्रेपर टाइनीस्ट आंट सबसे छोटी चीटी हर चीज वायलेट हो गई पीपल सेट अराउंड लुकिंग एट वन अनादर वंडरिंग इफ दे वर ड्रीमिंग लोग सेट अराउंड बैठ गए इधर उधर लुकिंग एट वन अनदर एक दूसरे की तरफ देखते हुए वन अनदर एक दूसरे की तरफ वंडरिंग सोचते हुए इफ़ दे वर ड्रीमिंग क्या वे ड्रीम सपना ले रहे हैं बट नो बडी वोक अप लेकिन कोई नहीं उठा एंड थिंग्स स्टेड वायलेट और सारी चीज़ें स्टेड रही वायलेट बैंगनी रही अभी भी All except for a single except बस एक चीज को छोड़कर एक्सेप्ट होता है बेटा not इंक्लूडिंग जैसा पिक्चर में देख सकते हैं all apples आर ग्रीन एक्सेप्ट वन एक को छोड़कर not इंक्लूडिंग एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर और वो चीज थी ब्लू जे ब्लू जे हु ब्लू जे जिसका कलर चेंज नहीं हुआ था एंड स्टेड द ब्राइटेस्ट ब्लू और वो अभी भी स्टेड रहा ब्राइटेस्ट ब्लू चमकीला ब्लू रंग का ब्लू जे एक बर्ड होता है बेटा जो हमें अमेरिका में मिलता है ब्लू जे तो स्टोरी में देख रहे हैं हर चीज़ चाहे वो स्काई आसमान हो ओशियन समुद्र, ट्रीज एनिमल्स पीपल स्काई स्क्रेपर्स ऊँची ऊँची इमारतें एंट चीटी हर चीज वायलेट हो गई है एक्सेप्ट वन बस एक को छोड़कर एंड दैट इज ब्लू जे और वो है ब्लू जे जो अभी भी ब्लू है बींग द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट वॉज ब्लू ई वोज कोट एंड पुट इन अज तो अब जब वो संसार की ओनली अकेली ऐसी चीज थी जिस जो वायलेट नहीं हुई कोट उसको पकड़ा गया कोट पकड़ना एंड पुट इन अज और पिंजरे में डाल दिया पुट इन अ केज पिंजरे में डाल दिया पीपल वर शोक् लोग शोक थे काफी हैरान थे झटका लगा था उनको देवर अफ्रेड और वो डरे हुए थे अफ्रेड डरे हुए एंड समेज और कुछ इस बात से बड़ा ही खुश थे एक्साइटेड थे एंड फ्यू थॉट इट फनी और कईयों को तो थोट ऐसा लगा कि ये फनी है मजाकिया है बिकॉज अलोंग विद एवरी वन एल्स क्योंकि हर चीज़ के साथ द प्रेजिडेंट ऑल्सो वेरी ब्लू जिडेंट भी वेरी वायलेट बिल्कुल वायलेट हो गए थे तो कुछ को फनी इसलिए लगा क्योंकि चीजों के साथ साथ देश के प्रेजिडेंट राष्ट्रपति भी वायलट हो गए थे होल फैमिलीज वर वायलेट एज वर टीचर्स मूवी स्टार्स डॉक्टर्स नर्सेस पेट्रोल पम्प अटेंडेंस द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड द प्रेजिडेंट ऑफ मोजाम्बिक टैक्सी ड्राइवर्स एवरीबडी हर कोई वायलेट हो गया था होल फैमिलीज पूरे परिवार टीचर्स पढ़ाने वाले अध्यापक मूवी स्टार फिल्मों के स्टार डॉक्टर्स नर्सेज पेट्रोल पंप अटेंडेंस पेट्रोल पंप पे काम करने वाले क्वीन ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड की महारानी भी वायल्ट हो गई थी द प्रेजिडेंट ऑफ मोजैम्बिक और मोजैम्बिक देश के राष्ट्रपति भी वायलेट हो गए टैक्सी ड्राइवर्स भी एवरीबडी हर कोई दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन देयर वायलेट कार्स एंड बसेस और वो प्लेस टू प्लेस जगह से जगह जाते अपनी वायलेट कार्स में या फिर बसेज में उनकी गाड़ियाँ बसें वो भी वायलेट हो गई एंड रोड वायलेट बाइक्स और बैंगनी रंग की बाइक वो चलाते रोड सवारी करते एंड सेट ऑन वायलेट फर्नीचर और वायलेट बैंगनी रंग के फर्नीचर पर ही वो सेट बैठते एंड एट वायलेट फूड और खाना भी उनका वायलेट उसको वो एट खाते इवन कैंडी बार्स हैड टर्न ऑल वायलेट एज हैड चिप्स एंड चॉकलेट कैंडी बार्स जो टॉफी थी वो भी वायलेट हो गई थी और चिप्स और चॉकलेट भी तो खाने की सारी चीज़ें भी वायलेट हो गई गर्ल्स जनरली थॉट दिस यकी लड़कियों को जनरली आम तौर पर लगा कि ये यकी 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 होता है अनप्लेजेंट जो अच्छा नहीं होता लड़कियों को ये सब जो चीज़ें वायलेट हो गई थी अच्छा नहीं लगा दे थॉट कि ये यकी है यकी अनप्लेसेंट बट सम इट वाज कूल लेकिन लड़कों को लगा कि यह कूल है द स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट्स इन द वर्ल्ड गैदर्ड टू फिगर इट आउट संसार के स्मार्टेस्ट सबसे होशियार साइंटिस्ट गैदर्ड इकट्ठा हुए गैदर होता है कम टुगेदर एक साथ आना इकट्ठा होना तो सबसे साइंटिस्ट जो स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट थे वो इकट्ठा हुए वो समथिंग रॉन्ग विद पीपल्स आइज़ और वोज इट अ ट्रिक ऑफ नेचर पता लगाना चाहते थे कि क्या समथिंग रॉन्ग कुछ गलत है विद पीपल्स आइज़ लोगों की आँखों के साथ और वॉज इट अ ट्रिक या फिर ये कोई ट्रिक है कोई खेल है नेचर का प्रकृति का दे डिड स्टडीज एंड टेस्ट्स उन्होंने काफ़ी स्टडी किए टेस्ट किए एंड एनालाइज्ड एंड इवेलुएटेड उन्होंने एनालाइज किया और इवेलुएट किया एनालाइज होता है स्टडी टू एक्सप्लेन किसी चीज़ को बताने के लिए पढ़ना इवेलुएट मूल्यांकन करना सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना तो उन्होंने एनालाइज़ किए इवेलुएशन किए एंड डिबेटेड और चर्चाएं भी की एंड रोट आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल और एक के बाद एक आर्टिकल्स लिखे बट कुडन एक्सप्लेन इट लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए नहीं बता पाए कि सारी चीज़ें वायलेट क्यों हो गई हैं एंड नो लॉन्गर कुड पीपल से और अब लोग नहीं कह पाते थे दैट दे फेल्ट ब्लू कि वो ब्लू फील कर रहे हैं और वर ग्रीन विद एन या फिर जलन से हरे हैं और हैड अ ग्रीन थंब या फिर उनका हरा अंगूठा है तो बच्चों फेल्ट ब्लू नीला महसूस करना ग्रीन विद एन जलन से हरा होना ग्रीन थंब हरा अंगूठा तो ये सब चीज़ें इंग्लिश के इडियम्स हैं मुहावरे हैं फील ब्लू ब्लू फील करना टू फील सैड टू फील ब्लू का मतलब होता है बच्चों सैड फील करना टू फील सैड फील ब्लू ग्रीन विद एन वी ग्रीन विद एन वी होता है बींग जेलस जलन होना एन वी जलन ये भी इंग्लिश का ईडियम है मुहावरा है जलन से हरा होना ग्रीन थंब हरा अंगूठा होना इसका मतलब है टू बी गुड एट गार्डनिंग खेती बाड़ी में अच्छा होना कि आप जो लगाएंगे वो अच्छे से उगेगा ग्रीन थंब ईडियम है मुहावरा तो अब लोग ये सब नहीं कह पाते थे क्योंकि ये जो मुहावरे रंगों से रिलेटेड थे क्योंकि अब वो रंग रहे ही नहीं अब सिर्फ एक ही रंग था और वो था वायलेट सो वट दे सैड एंड हाउ दे सैड बिगैन टू चेंज सो इसलिए कि वो क्या कहते थे और हाउ कैसे कहते थे बिगैन टू चेंज बदलने लगा सम पीपल सैड कुछ लोग बोले वायलेट वाज वॉज नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कलर इन द वर्ल्ड कि अब वायलेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलर है संसार का बिकॉज़ क्योंकि बिकॉज़ होता है बच्चों क्योंकि इट वॉज़ एवरीवेयर क्योंकि वह एवरीवेयर हर जगह पर था अदर सैड और बाकी बोले दैट वायलेट हैड नो इम्पोर्टेंस एट ऑल कि वायलेट की तो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है बिकॉज क्योंकि देर वॉज़ टू मच ऑफ़ इट क्योंकि इतना ज़्यादा था दे डिस्कस वो लोग डिस्कस करते चर्चा करते एंड आर्ग्यूड और बहस करते आर्ग्यू एक्सचेंज और एक्सप्रेस ऑपोजिट व्यूज अलग तरह के विचारों को आपस में बातचीत करना तो मतलब बहस करना तो बहस करने लगे जॉइनड क्लब्स उन्होंने क्लब ज्वाइन कर लिए हेल्ड डिबेट्स और डिबेट करने लगे रोट बुक्स किताबें लिखी एंड प्रोड्यूस्ड मूवीज़ ऑल अबाउट द इशू और इस इशू के बारे में इस मसले के बारे में मूवी प्रोड्यूस भी की ऑफ द इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ द कलर वायलेट की बैंगनी रंग के इम्पोर्टेंस या फिर अन इम्पोर्टेंस के बारे में The color of the blue jay became a big issue. और blue jay का जो color था वो एक बड़ा issue बन गया बड़ा मसला बन गया Because he had such little bit of blue. क्योंकि उसके पास इतना थोड़ा सा नीला रंग था And the world had such a whole lot of violet. लेकिन संसार में whole lot इतना ज़्यादा violet था तो वो भी एक बड़ा मसला बन गया क्योंकि पूरे संसार में सिर्फ ब्लू जे ही एक ऐसा पक्षी या चीज़ थी जिसका अभी भी कोई और कलर था पीपल आर्ग्यूड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट और लोग उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी आर्ग्यू बहस करने लगे Some said, कुछ बोले द ब्लू जे मस्ट बी वेरी स्पेशल बर्ड कि हो सकता है ब्लू जे वेरी स्पेशल बहुत ज़्यादा ख़ास है और मे बी नोट अ बर्ड ऑल और मे बी हो सकता है मे बी शायद हो सकता है नोट अ बर्ड ऑल और हो सकता है वो शायद पक्षी ही ना हो बिकॉज क्योंकि ही अलोन हैड हैड हिज ट्रू कलर क्योंकि सिर्फ उसने कैप्ट रखे अपने ट्रू कलर असली रंगों को अदर सैड दिस वॉज सिली कईयों ने कहा कि यह तो सिली है मूर्ख है दैट द ब्लू जे एट बर्ड सीड क्योंकि ब्लू जे खाता था एट खाता था बर्ड सीड पक्षियों के दाने एंड ड्रिंक वाटर और पानी पीता था एंड फ्लफ्ड हिज फैदर्स और अपने फैदर पंखों को फ्लफ करता था फ्लफ होता है बेटा मेक समथिंग अपीयर फुलर एंड सॉफ्टर बाय शेकिंग जैसा हमने पक्षियों को कई बार करते हुए देखा है कि वो खुद को फ्लफ करते हैं अपने पंखों को हिलाते हैं और उसके बाद वो सॉफ्ट और फूले हुए लगते हैं फ्लफ तो लोगों ने कहा कि ब्लू जे अभी भी अपने पंखों को फ्लफ करता था अदर देन हीज स्पेशल कलर ही वो स्टिल अ बर्ड अपने रंग को छोड़कर बाकी तो वह अभी भी एक पक्षी ही था

फाइन तो दर्ल है तो year में, exactly, पूरा एक साल के बाद अब तो वायलेट से कलर क्या हो गया है येलो ईयर टू कलर हो गया है येलो ऑल एक्सेप्ट द ब्लू जे और फिर से सिर्फ एक्सेप्ट को छोड़कर बस एक चीज को छोड़कर और वो था ब्लू जे जो अभी भी ब्लू ही था इन सम वेज कुछ तरीकों में अ येलो वर्ल्ड वजन एनी डिफरेंट देन अ वायट वर्ल्ड कुछ तरीकों में एक पीले कलर का संसार वोजेंट डिफरेंट अलग नहीं था वजन एनी डिफरेंट कोई अलग नहीं था वायलेट वर्ल्ड एक बैंगनी कलर के संसार से तो बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया है देन टी एच ए एन इसका मतलब होता है दो चीज़ों में कंपैरिजन दैन दो चीज़ों में कंपैरिजन तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है येलो वर्ल्ड और वायलेट वर्ल्ड तो दोनों में कंपैरिजन हुआ है बेटा यहाँ पर तो ये वर्ड ध्यान रखना टी एच ए एन जहां भी ये आएगा वहां पर दो चीजों का कंपैरिजन होता है पीपल सिंपली येलो इंस्टेड ऑफ वायलट तो अब लोग सिंपली सीधा सीधा येलो कहते थे इंस्टेड ऑफ वायलट वायलट की जगह पर वेन दे टोक्ड अबाउट थिंग्स जब वो चीजों की बात करते ओनली नाउ और अब द ब्लू जे वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर और अब तो ब्लू जे मोर इम्पोर्टेंट देन एवर पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया बिकॉज क्योंकि ही अलोन हैड स्टेट स्टेड द कलर ब्लू क्योंकि अब भी सिर्फ वही था जो नीला था एंड पीपल आर्ग्यूड और लोग बहस करने लगे अबाउट वट दैट मैंट कि उसका मेंट क्या मतलब है तो मतलब हर चीज़ का कलर बदल रहा है एक्सेप्ट ब्लू जे ब्लू जे को छोड़ कर तो लोग पीपल स्टार्टिड आर्ग्यूइंग लोग आर्ग्यू करने लगे कि इसका मतलब क्या है वट इट मेंट मतलब क्या है इसका ऐसा क्यों हो रहा है दे लाइंड अप वो लंबी लंबी लाइनड अपॉर माइल्स और वो माइल्स मीलों तक की लाइने लगने लगी जस्ट टू टेक अ लुक एट हिम सिर्फ उसकी एक लुक झलक पाने के लिए तो अब लोग उसको देखने आने लगे दूर दूर से देखने आने लगे